कह रहे कि नहीं तुम इंडियंस बांग्लादेशी पाकिस्तानी नेपाली ये लोग ऐसे ही करते हैं ये वो। मैं बोला हेलो ये आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो मेरे साथ। जी हाँ लिटरली मैंने झगड़ा किया इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ। मैंने बोला कि भाई मेरे को डिपोर्ट कर दो अबू धाबी मेरे को वापस इंडिया भेज दो खुशी खुशी जाऊंगा लेकिन ऐसा फालतूगिरी मत करो मेरे साथ। और पहले ही बोल रहा हूँ इसके साथ कुछ भी बदतमीजी की तो तेरी खैर नहीं तेरा हॉस्टल बंद करवा दूंगा। वो भाई बहुत डर गया। ओके चीज चीज हाँ यार चीज चीज चाहिए वह एक चाहिए एक चाहिए हाँ एक चाहिए शुक्रिया। ये देखो 100-100 के ऐसे सिक्के रहते 500 की नोट और पीछे 1000 की नोट टेंगे करेंसी बड़ी प्यारी है टेंगे। मॉर्निंग गाइस और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए ट्रैवल सीरीज में एक न्यू कंट्री के एक्सप्लोरेशन में कजाकिस्तान। आज टेक्निकली सेकेंड डे है मेरा कजाकिस्तान में बिकॉज कल रात को ही पहुंच गया था अस्ताना जो कि कैपिटल सिटी है कजाकिस्तान का। कल पूरा दिन ट्रैवलिंग में गया जिसके कारण कुछ शूट वगैरह नहीं किया। आई मीन सुबह सुबह अकाबा जॉर्डन से फ्लाइट पकड़ के वीज एयर से पहुंच गया था अबू धाबी फिर वहां से ट्रांजिट लिया फिर वहां से अगेन वीज एयर की फ्लाइट पकड़ के आ गया अस्ताना। पूरा टोटल ड्यूरेशन अगर बात करूँ तो 3 घंटे की फ्लाइट थी अबू धाबी के लिए फिर वहाँ 2.5 घंटे का ट्रांजिट था फिर अगेन 4.5 घंटे की फ्लाइट थी अस्ताना। ये जो कजाकिस्तान है 1/2 घंटा इंडिया से आगे है और जॉर्डन 2.5 घंटा पीछे था इंडिया से जिसके कारण 3 घंटे का टाइम डिफरेंस तो इधर ही हो गया। तो रात को 9:30 बजे लैंड हुआ यहाँ पे। बता दूँ कि अबू धाबी में वीज एयर ये साफ साफ बताता है कि हम ट्रांजिट परमिट नहीं करते जिसके कारण आपको वापस सिक्योरिटी चेक इमिग्रेशन या फिर वो पर्टिकुलर कंट्री का ट्रांजिट होना चाहिए। मेरे पास 5 ईयर्स का वीज़ा है ही है मल्टीपल एंट्री का जैसे आपको पता है UAE का तो मेरे को तो दिक्कत नहीं हुई है लेकिन अगर आप अबू धाबी से वगैरह ट्रांजिट लेते हो तो ये ध्यान रखना भले ही दोनों फ्लाइट है वीज एयर क्यों ना हो आपके पास ट्रांजिट वीज़ा या फिर UAE का वीज़ा होना चाहिए। एनीवेज फ्लाइट रेट्स की बात करूँ तो 2000 और 4500। एनीवेज गाइज लेकिन जैसे कजाकिस्तान लैंड हुआ ना बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ा पूरी रात में चाहे फिर वो हॉस्टल में क्यों ना हो या फिर इमिग्रेशन में क्यों ना हो जिसका डिटेल्स मेरे को आपको देना भी ज़रूरी है बिकॉज ये इमिग्रेशन वगैरह से रिलेटेड है तो आपका जानना ज़रूरी है बात कि क्या सामना करना पड़ा क्यों झगड़ना पड़ा मुझे इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ। जी हाँ लिटरली मैंने झगड़ा किया इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ। मैंने बोला कि भाई मेरे को डिपोर्ट कर दो अबू धाबी मेरे को वापस इंडिया भेज दो खुशी खुशी जाऊंगा लेकिन ऐसा फालतूगिरी मत करो मेरे साथ। ये तक की नौबत आ गई थी। तो भाई साहब ऐसा हुआ क्या था मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ वरना लॉन्ग हो जाएगा बहुत बड़ा ये वीडियो बन जाएगा। तो शॉर्ट में ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा प्राइवेसी ब्रीच किया। जी हाँ आपका इमिग्रेशन ऑफिसर का हक बनता है कि भाई आप मेरे से रिटर्न फ्लाइट मांगो आप होटल बुकिंग मांगो आप मेरे प्लान्स जानो अगर वो पर्टिकुलर कंट्री का वीज़ा लगता तो वीज़ा पूछो दैट्स इट। अगर वीज़ा नहीं लगता है 14 दिन के लिए इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स डोंट रिक्वायर कजाकिस्तान वीज़ा तो आप मेरे से वीज़ा बार बार क्यों मांग रहे हो पहली बात। दूसरी बात मेरे पासपोर्ट में अगर 2 रशिया के स्टैम्प है तो फिर आपको उससे क्या परेशानी हो रही है। आई मीन मैं जा चुका हूँ रशिया इसमें क्या दिक्कत है। तो कह रहे कि नहीं अभी भी तुम यहाँ से रशिया भाग जाओगे तो यूरोप भाग जाओगे तो बॉर्डर क्रॉस करके। मतलब मैं क्यों जाऊँगा मेरा पासपोर्ट तो देख लो इतनी सारी कंट्रीज ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका तो मैं इलीगली किधर से क्यों जाऊँगा है ना। तो कह रहे कि नहीं तुम इंडियंस बांग्लादेशी पाकिस्तानी नेपाली ये लोग ऐसे ही करते हैं ये वो। मैं बोला हेलो ये आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो मेरे साथ। तो बोलता है कि ये देखो हार्ड कॉपीज मेरे को लिटरली फोटोज बता रहा है वो काफ़ी सारे इंडियन या फिर पाकिस्तानी आई डोंट नो प्रॉपर नेशनलिटी बट दोनों हाथ ऊपर और यू नो पुलिस के साथ बॉर्डर क्रॉसिंग करते हुए पकड़े गए और उनके फोटोज थे। मैंने बोला आपकी बात सही है वगैरह लेकिन आप ऐसे थोड़ी ट्रीट कर सकते हो। फिर मेरा फ़ोन मेरे को मेन प्रॉब्लम का हुई मैं आपको बताता हूँ। मेरा फ़ोन लिया गया ठीक है मेरे फ़ोन में गैलरी में गया फोटोज़ वीडियोज़ चेक कर रहा है व्हाट्सएप में गया फोटो लिया व्हाट्सएप का फिर QR कोड पता नहीं कुछ तो उसने कोड डाले फ़ोन में जाके *36 ऐसा कुछ जिससे मेरे फ़ोन के सारे बारकोड्स आ गए IMEI कोड SD कोड वगैरह मेरे को ये चीज़ नहीं पता थी। उसने वो लेके उसने फ़ोटो खींचा। मैं बोला एक्सक्यूज़ मी सर आप ये क्या कर रहे हो आपने मेरी परमिशन ली क्या यू आर ब्रीचिंग प्राइवेसी आप मेरी प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हो ऐसे कैसे कर सकते हो। आप इतना सब मत करो क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ ठीक है और कल कोई अगर मेरा चैनल आप हैक कर दोगे तो ऐसा सब बारकोड से। तो बोलते हैं कि यूट्यूबर है कि कुछ भी है खबीब जब आता है ना वो रेसलर UFC का या MMA का जो रशिया का है वो जब भी आता है हम भी उसके साथ ऐसे ही ट्रीट करते हैं ये वो। मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं फेमस हूँ मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल रोजी रोटी है ये फ़ोन में है तुम ऐसा सब करोगे ना तो मेरे को दिक्कत होगी और मैं नहीं चाहता ये सब हो। आप मेरे को खुशी खुशी वापस अबू धाबी भेजो या फिर बैक टू इंडिया भेजो लेकिन ये हैरेसमेंट मत करो फुकट का 40-45 मिनट बिटा के आप इतना क्वेश्चन आंसर कर रहे हो उसके बाद मेरा प्राइवेसी कैसे ब्रीच कर सकते हो। मैं फिर भड़क गया लिटरली क्योंकि यार ये यूट्यूब का भी सवाल होता है मतलब मजाक थोड़ी है कजाकिस्तान हम आते हैं आपकी कंट्री घूमने
एक्सप्लोर करने, एक टाइप से प्रमोट करने, और तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो? आप दूसरे इंडियंस के साथ भी ऐसे ही करते हो क्या? बोलते हैं कि नहीं, जस्ट फॉर जिसपे हमको ऐसा लगता है तो हम चेक करते हैं, आपके पासपोर्ट में दो रशिया के स्टैम्प है वगैरह वगैरह, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। बोला भाई साहब ये क्या पागल है क्या? बोलते कि इलीगल है ऐसे रशिया जाना। बोला क्यों इलीगल है? अगर मेरे पास अभी वैलिड वीजा है रशिया का मान लो, और अस्ताना से ट्रेनें जाती है रोज रशिया के लिए, तो मैं जा सकता हूँ। बोला कि नहीं जा सकते। मैं बोला आपको लैक ऑफ नॉलेज है, यू डोंट हैव एनी नॉलेज, प्लीज कॉल समवन एल्स जिसको नॉलेज हो, वो मेरे से बात करेगा तो अच्छा। बोलते कि नहीं, यहाँ से यूरोप भी जाना इलीगल है फ्लाइट से, भले वीजा क्यों ना हो ये वो। मतलब भाई साहब ये क्या बातें कर रहा है, इलॉजिकल, मतलब दिमाग खराब हो गया उस बंदे से मेरा। और मेन तो प्राइवेसी ब्रीच कर रहा था, जिसके कारण मैं भड़क गया, उसको बहुत सुनाया। एट लास्ट उसने माफ़ी मांगी, तो बोल रहा था कि ठीक है यू कैन गो, वेलकम टू कजाकिस्तान। मैं बोला क्या बोलूँ, छोड़, बहुत थक गया था, पूरी रात मेरा ऐसे ही जाने वाला था, मेरे को पता था अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो। निकला वहाँ से, मैंने $100 के एक्सचेंज कराए टेंगे, जो मेरे को 47,000 टेंगे मिले, क्योंकि $1 इज इक्वल टू 470 टेंगे, या फिर 1 Indian rupees इज इक्वल टू 5.7 टेंगे। तो मैंने $100 के करा दिया एयरपोर्ट से ही चेंज, और फिर टैक्सी पकड़ी, आई मीन टैक्सी नहीं, यंडेक्स, किसी भाई साहब की मदद से, बिकॉज यहाँ पे यंडेक्स बहुत सस्ती है अगर आपके फ़ोन में हो तो ऐप। मेरे पास तो ना सिम कार्ड वगैरह खरीदा अब तक, ना ये इंटरनेट वगैरह था, किसी भाई साहब की मदद ली, 2000 टेंगे में मैं पहुंच गया था रात को यहाँ पे। अब 2000 टेंगे इंडियन करेंसी में 450 रुपये होते हैं। हालांकि एयरपोर्ट से, अस्ताना के एयरपोर्ट से बसेस भी जाती है, लेकिन मैंने प्रेफर किया कि भाई बस क्या ही, अभी आधा घंटा वेट करो, और फिर बस ना डेढ़ घंटा लगाएगी, पूरा घुमा के लेके जाती है, हर स्टॉप्स पे रुकती है, और 20 किलोमीटर का रास्ता है सिटी सेंटर एयरपोर्ट से। मैंने सोचा कि टैक्सी में आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, जो कि सही भी लगा मेरे को, और पहुंच गया था इस एरिया में। हालांकि टेम्परेचर बहुत लो था, बिकॉज ठंड थी और मैं इतना प्रिपेयर नहीं हुआ था, कपड़े उस हिसाब से पहने नहीं थे। एनीवेज, लेकिन पहुंच गया तो हॉस्टल की दिक्कत चालू, क्योंकि हॉस्टल ना मिल नहीं रही थी मेरे को, क्योंकि गली के अंदर है और बाहर रोड साइड कुछ बोर्ड वगैरह कुछ साइन नहीं है, जिसके कारण मैं उस तरफ घूम रहा था, ये वो है ना। फिर मैंने दो अंकल की मदद ली, दो अंकल आए, मैंने बोला कि आपको इंग्लिश आती है क्या थोड़ी बहुत? उन्होंने बोला हाँ आती है। मैंने बोला, वो लोग ने ड्रिंक किया हुआ था तो रशियंस है, अभी ठंड के मौसम में आप समझ सकते हो। तो फिर उन्होंने बोला कि उसका फ़ोन नंबर दो हॉस्टल का, मैंने फ़ोन नंबर दिया, उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बोला कि भाई साहब तेरा किधर है एड्रेस प्रॉपर बता। एड्रेस बताए थे, हम लोग इधर तक आए नाके तक, फिर वो बोलता है कि लेकिन बेड तो खाली नहीं है, हॉस्टल वाला बोलता है। मैं बोला एक्सक्यूज़ मी, मेरा बुकिंग है 3 रात का, booking.com से किया है, प्रतीक जैन। बोलता है प्रतीक जैन नाम का कोई बुकिंग हमारे में दिखा नहीं रहा। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे पास बुकिंग है। वो अंकल उसके फ़ोन में बोले तेरा तो एड्रेस तो बता, तो उसने बताया। फिर हम आए, अंदर आए, वो भाई साहब बोलता है कि नहीं है बेड खाली नहीं है। मैं बोला कि अब मैं ठंड में किधर जाऊँगा, पागल हो क्या तुम, मैं 10:30-11 बजे रात को किधर ढूंढूँ, मेरा बुकिंग है 3 रात का, ये रहा लिस्ट। वो अंकल इस पे भड़क गए कि भाई साहब इसके पास बुकिंग है तो तू ऐसा क्यों कह रहा है, तेरे को क्या कजाकिस्तान का नाम खराब करना है क्या? वो रशियन में बता रहा था, उसको बोल रहा था, सुना रहा था, मैं सब समझ रहा था। फिर वो बोला कि नहीं हमारे सिस्टम में नहीं है। मैंने उसके कंप्यूटर में देखा, प्रतीक जैन मेरा नाम दिखा। फिर मैं भाई साहब भड़क गया, मैं बोला ये क्या है, दिस इज़ माई नेम एंड आई हैव द बुकिंग। तो उसने, वो जो अंकल थे ना मेरे साथ, वो उसका कॉलर पकड़ लिए, एक लड़का जो रात को हॉस्टल में संभालता है, लड़का मैनेज करता है, दिन में लड़की आती है अनिल नामक। तो भाई साहब उसने कॉलर पकड़ लिया, बोला कि अगर तूने इसको वापस भेजा यहाँ से, ये इधर ही रुकेगा, और इसको तू खाना वाना खिला, और पहले ही बोल रहा हूँ इसके साथ कुछ भी बदतमीजी की तो तेरी खैर नहीं, तेरा हॉस्टल बंद करवा दूंगा। वो भाई बहुत डर गया, वो हिलने लगा, कांपने लगा, वो बोला कि ठीक है मैं इसको इधर ही रुकाऊंगा, आई विल हेल्प हिम। फिर उन्होंने मेरे को बोला बेटा मतलब तेरे को अगर दिक्कत हो तो हमको कॉल करिए, हमारा नंबर है, हमको कॉल कर, इसकी ऐसी की तैसी कर देंगे, तू इधर ही रुक, आराम कर, तू खाना वाना खा, ये तेरे को खाना भी खिलाएगा, तू सो। मैं बोला खाना नहीं खाना, मेरे को सोना है। तो बोला कि ठीक है इसको सुला अच्छे से। फिर बोला हाँ मैं देता हूँ, बैठ देता हूँ। फिर अंदर गया, वो बोला कि ब्रदर आई हैव अ प्रॉब्लम, रियली देयर इज़ नो बेड, कोई बेड नहीं है, आप प्लीज़ सोफे पे वगैरह सो जाओगे क्या? अब मैं आपको एक काम करता हूँ, हॉस्टल के अंदर जाता हूँ फिर बताता हूँ। तो ऐसा कुछ मेरा हॉस्टल है, एंट्री है, ठीक है, क्लीन लग रहा है, बस ये एक ही प्लस पॉइंट है, बाकी उसके अलावा नेगेटिव ही नेगेटिव है, मैं बताता हूँ। अच्छा चलो ये भी प्लस पॉइंट है कि किचन बढ़िया है, आई मीन सारी सुविधा है, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत, वॉशरूम सिर्फ दो है, ठीक है, और कितने सारे बेड्स है पता है, एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरा, मतलब 4 कमरे है, टोटल 40 बेड्स है और सिर्फ 2 वॉशरूम। तो आधा घंटा तो ऐसे ही चला जाएगा अगर कोई घुस गया और वो सारी चीज़ें एक साथ निपटा रहा हो। ये रहा मेरा बेड, ठीक है। अब जो आपने ये बेड देखा है, ये मुझे आज सुबह 7:45 बजे मिला है, ठीक है। तो आप सोचे हो कि कल रात फिर कहाँ सोया, मैं कल रात को इधर सोया हूँ, ये ऐसे सोफे पे।
तो भाई साहब आपने देखा कि हॉस्टल के सोफे पे मैं पूरी रात बिताई सोया, लेकिन नींद अच्छे से आई तो कोई दिक्कत नहीं है। एक रात का मुझे पैसा नहीं भरना पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है कल रात का पैसा क्यों ही दूँ, दो रात का ही पैसा भरना पड़ा। 9,000 टेंगे भरे मैंने, हालांकि 13,500 की बुकिंग थी, मतलब 3 रात का 13,500 था, लेकिन 2 रात का ही मैंने पैसा दिया है। तो प्रति रात आप कह सकते हो 800 रुपया इंडियन करेंसी का ये हॉस्टल है, जहाँ पर मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज अगर आपकी बुकिंग हो और बाई चांस ये लोग बोले कि भाई बुकिंग नहीं है। दूसरी चीज़, वॉशरूम, 40 बेड के लिए सिर्फ 2 वॉशरूम है, मेरे को बहुत बेकार चीज़ लगी ये चीज़। एनीवेज, देर आए दुरुस्त आए, मैं तो यही कहूँगा कि कल रात को बहुत परेशानी हुई, लेकिन जो अंत में वो जो 2 अंकल ने मेरी मदद की ना, ओए होए, ऐसा लगता है कि यार अचानक से कोई आया और मेरी मदद करके चला गया। मैं इतना उस टाइम इमोशनल हुआ था कि मैंने हाथ मिला के ऐसा किया, थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे लिए वो जो लड़ा और उसने जो कॉलर पकड़ा इसका हॉस्टल वाले का, ओए होए होए, वो मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ था। एनीवेज, मैं यही कहूँगा कि यार यही प्रॉब्लम था इमिग्रेशन में कि प्राइवेसी ब्रीच हुआ और बहुत बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे थे वो लोग, कुछ भी इलॉजिकल जो सेंसिबल नहीं था, और ये हॉस्टल में भी ऐसा ही कुछ हुआ। अभी आज एक नया दिन है कजाकिस्तान में, और इस नए दिन की शुरुआत हम करते हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके यूरोस्पार, जो कि मेरे हॉस्टल के जस्ट बाहर ही है ये सुपरमार्केट स्टोर। यहाँ देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें मिल सकती है। ये जितना बड़ा स्टोर है ना, उतने ही अच्छे स्टाफ भी है, सच कह रहा हूँ, मतलब हर चीज़ में इतनी हेल्प कर रही है ना मैडम मेरी क्योंकि हर जगह अलग अलग मिलता है ना, पानी अलग, मिल्कशेक अलग, केला अलग, तो ये हर चीज़ में जैसे जैसे इनको पूछ रहा हूँ ये खुद आई है मतलब काउंटर से इनके, और मेरे को गाइड कर रही है। अभी मैंने बोला वेजिटेरियन ब्रेड विदाउट एग वगैरह, तो ये उनसे पूछ रही है और मेरे को बताएगी। अभी देखो इतनी बड़ी स्टोर में, सुपर मार्केट में, बेकरी भी सामने ही है, मतलब ताज़ा ताज़ा सामने बेक हो रहा है सारी चीज़ें, विदाउट एग, नो एग, अरे वाह बढ़िया, सोवा क्रीम एंड दिस इज चीज, ओके चीज चीज, हाँ यार चीज चीज चाहिए, वह एक चाहिए, एक चाहिए, हाँ एक चाहिए। कितने का है, कितने का है, हाउ मच, 259, हाँ ओके, कितना, अच्छा 1180, मतलब तकरीबन इंडियन करेंसी में 200 रुपये हो गए, 200 रुपये में इतनी सारी चीज़ें, चीज़ ब्रेड, 2 केला, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और 1.5 लीटर पानी की बॉटल, बहुत खूब यार, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। ये देखो 100-100 के ऐसे सिक्के रहते हैं, 500 की नोट और पीछे 1000 की नोट, टेंगे करेंसी बड़ी प्यारी है, टेंगे। तो चलिए अभी ये 200 रुपये का ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर तैयार होकर बाहर निकल पड़ेंगे घूमने फिरने। एनीवेज गाइस, इन शॉर्ट यही कहना चाहूँगा कि कल की एंट्री का अनुभव तो इतना अच्छा नहीं रहा कजाकिस्तान देश में, आपको पता ही है कि हॉस्टल हो या फिर इमिग्रेशन हो कि कैसा बर्ताव रहा है, लेकिन आज के दिन की शुरुआत तो अच्छी रही ना, ये यूरोस्पार के जो व्यवहार थे स्टाफ के काफ़ी बढ़िया रहा। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही व्यवहार रहे कजाकिस्तान इस ट्रिप में, जैसे जैसे मेरे दिन बीते हैं कजाकिस्तान में मुझे अच्छे एक्सपीरियंसेस हो, बस बाकी तो क्या ही कहे, यह एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना ज़रूरी लगा सो मैंने किया। बाकी तो कजाकिस्तान कैसा है, अस्ताना कैसा है, अस्ताना के लोग कैसे हैं, व्यवहार कैसा है, वो तो हमें आगे के वीडियोस में पता चलेगा। इस छोटे से वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल, बने रहे।